तो हेलो नमस्ते और स्वागत है आप सभी लोग अभी जीपर्स गेमिंग की एक और फ्रेश वीडियो में। तो यार आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से बरमूडा या कलाहारी प्रेडिक्ट कर सकते हो अपने गेम में। ठीक है गाइस, तो आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपके नेक्स्ट गेम में बरमूडा है या कलाहारी, तो यार मैं सब बताऊँगा, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो बेसिकली गाइस मैं इसमें दो ट्रिक बताऊँगा। पहला ट्रिक जो होगा वो होगा कि आप लॉबी में रह के किस तरह से पता कर सकते हो, और दूसरा ट्रिक जो होगा एक कैरेक्टर की मदद से होगा। जी नहीं गाइस, वो आलोक नहीं है, तो टेंशन मतलब, और वो कैरेक्टर अभी फ्री में भी दिया जा रहा है। हाँ आज ही फ्री में दिया जा रहा है, तो वो भी कैरेक्टर आपको कहते हैं आप ले सकते हो और वो आपको बता देगा। ठीक है, हालांकि वो आइलैंड पे बताएगा, वो जो लॉबी होता है जहाँ पे हम लोग को लीडर बोर्ड पे दिखता है। सो गाइस वीडियो को बिना कुछ देरी के बिना कुछ किए हुए जाए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस मैं बात कर लेना चाहता हूँ कि गाइस लॉबी में किस तरह से होता है। ठीक है, तो लॉबी में आप किस तरह से पता कर सकते हो कि आपके पास कौन सा मतलब आपके कलाहारी आएगा या नहीं आएगा। तो गाइस मैं आपको कुछ पॉइंट रखना चाहता हूँ, जो पॉइंट कुछ ये है कि गाइस जैसे ही आप गेम में फर्स्ट मैच खेलते हो, ठीक है, ये 90% बंदों के साथ ये चीज़ होता है कि फर्स्ट मैच आप जैसे ही खेलते हो तो वो कलाहारी आएगा। ठीक है, फर्स्ट मैच में कलाहारी आएगा, ये 90% बंदों के साथ ये चीज़ होता है। और गाइस आपका इस स्क्वाड के साथ खेलते हो ना, तो होता क्या है कि आपके टीममेट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका टीममेट आपके साथ बहुत मैच खेला है, मतलब यार जैसे कि आपने अपने टीममेट के साथ कल ही खेला है या फिर कुछ देर पहले ही आपने उनके साथ मैच खेला है। ठीक है, सीधी से बात इतना जानो कि जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा गेम खेलते हो, ठीक है, सबसे ज़्यादा उसी के साथ खेलते हो, तो उसके साथ गाइस ज़्यादा चांस होते हैं बरमूडा आने के। अगर गाइस आप किसी रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो या फिर किसी ऐसे प्लेयर के साथ खेलते हो या ऐसे फ्रेंड के साथ खेलते हो जिनके साथ आपने 2 दिन पहले 3 दिन पहले यानी बहुत दिन पहले गेम किया था और अभी तक आपको याद भी नहीं, तो गाइस उनके साथ क्या होता है, ज़्यादा चांसेस में क्या होता है ना कि उनके साथ गाइस आपको बरमूडा आने के चांसेस कम हो के बल्कि कालाहारी के आते हैं। इसके गाइस चांस 100% में से 80% तक जाता है। ठीक है, बाकी मैं गारंटी नहीं दूंगा क्योंकि अब ये तो मैं गड़ीना हूँ नहीं जो मैं बता दूंगा, बट हाँ गाइस अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन ये यहाँ तक मैंने देखा है। ठीक है, सो गाइस अब बात कर लेते हैं यार कि अगर हम टीममेट के साथ नहीं खेले, अगर सोलो खेले, तो मैंने जैसे ही आप लोग को बताया पहले ही कि आप लोग के सोलो जैसे ही खेलते हो तो कुछ इस तरह होता है कि आप फर्स्ट मैच जाओगे तो 90% आपका कालाहारी ही आएगा। फर्स्ट मैच में गाइज ये चीज़ बहुत बार हुआ है कि मेरे साथ भी हुआ और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ कि फर्स्ट मैच कालाहारी आता। गाइज बढ़ते हैं हमारे सेकेंड ट्रिक की ओर। तो गाइज हमारा जो सेकेंड ट्रिक होने वाला है वो होने वाला है इधर पे, मतलब आपको उसके लिए आलोक नहीं चाहिए, आपको उसके लिए जो मैंने बोला था कैरेक्टर है उसका नाम है वूकोंग। गाइज वूकोंग कैरेक्टर आप लोग को पहले ही पता होगा। गाइज इस कैरेक्टर को यूज़ करने के बाद आप जैसे ही गाइज बरमूडा जाते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैं बरमूडा जा रहा हूँ। सो गाइज जब तक मैं जाता हूँ जो जो मैं क्राइटेरिया फॉलो करता हूँ, आप लोग सिंपली देखो आप समझ जाओगे, मैं वहाँ पे वूकोंग की एबिलिटी को ट्राई करूँगा। तब तक मैं गाइज मैं गिव अवे से रिलेटेड भी कुछ बता देना चाहता हूँ जो मेरे को बताना है। सो गाइज गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करके कर देना, जिससे मेरे को नोटिफिकेशन आ जाए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उसके बाद गाइस लिंक दी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी इंस्टाग्राम की, तो वहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, मेरे को फॉलो कर देना है और फॉलो करने के बाद आपको DM कर देना है स्क्रीनशॉट कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और किस नाम से किया है, बस इतना करना है। अगर आप जीतते हो तो मैं आपको डाइक भेज दूंगा। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मैं जो बरमूडा में आया तो मेरा जो वूकोंग है वो किस तरह से मतलब उसका जो बुश है वो एकदम बरमूडा में जिस तरह से होता है, प्योटेगरी में जिस तरह से होता है वैसा हो गया। सो गाइस अब बढ़ते हैं हमारे कलाहारी की ओर। सो गाइस जो हमारा ये कलाहारी मैच में होने वाला है उसके लिए भी मैंने वूकोंग ले लिया है। उसके बाद गाइस मैं सिंपली स्टार्ट कर रहा हूँ, और आई नो गाइस कि वीडियो भी लेट आ रही है, ये वाली वीडियो काफ़ी दिन बाद आई है क्योंकि गाइस मेरी इधर जो है ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, बारिश के बाद फिर गाइस इंटरनेट कनेक्शन का भी हल्का प्रॉब्लम हो जाता है, बारिश होता है तो गाइस वॉइस ओवर भी अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा गाइस मेंटेन कर लो, कुछ दिन बाद ये भी हट जाएगा, बारिश भी चला जाएगा, तो उसके बाद गाइस मैं वीडियो रेगुलर कर लूँगा। ठीक है गाइस आप देख सकते हो मैं कलाहारी आ चुका हूँ, कलाहारी में गाइस मेरा बुश एकदम कलाहारी की तरह हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे लोग भी ये चीज़ ट्राई कर रहे थे, तो गाइस ये देख सकते हो किस तरह से हो गया है। तो गाइस कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताओ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अगर आपको गिवअवे में पार्टिसिपेट करना है तो कर ही लेना। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस।